हेलो यूट्यूब एंड वेलकम टू टेक्निकल अलाइव यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है जुनेद अहमद और आप देख रहे हैं टेक्निकल अलाइव यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो काइन मास्टर वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड है और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल से फुल स्क्रीन व्हाट्सएप स्टेटस कैसे बना सकते हैं, वो भी सिर्फ 2 मिनट में। तो तरीका बहुत आसान है, जानने के लिए आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, कहीं से भी वीडियो को स्किप या फॉरवर्ड नहीं करना। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन के बटन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि हमारे आने वाली हर नई इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बिना टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फुल स्क्रीन व्हाट्सएप स्टेटस बनाने के लिए आपके मोबाइल में नो वाटरमार्क काइन मास्टर एप्लीकेशन इंस्टॉल होना लाजमी है। इस एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स के पिन कमेंट में दे दूंगा, जहां से आप इजीली इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर पाएंगे। तो फुल स्क्रीन व्हाट्सएप स्टेटस बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप है आपने प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर फुल स्क्रीन 9x16 को सिलेक्ट करना है। जैसे आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से मैं अपनी एक एक फ़ोटो को जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कुछ फ़ोटो को सिलेक्ट करूँगा जो कि मेरी 30 सेकंड तक फ़ोटो चलें। तो यहाँ पर आपने उतनी फ़ोटोज़ को सिलेक्ट करना है जितनी कि आपकी 30 सेकंड तक चल सके। फोटोज़ ऐड करने के बाद आपने यहाँ पर गुड के निशान पर क्लिक करना है। गुड के निशान पर क्लिक करने के बाद आपकी फ़ोटोज़ आपकी टाइम लाइन में ऐड हो जाएंगी। फ़ोटोज़ ऐड करने के बाद आपने लेयर को टाइम लाइन की स्टार्ट में ले आना है। अब आपने एक एक करके फ़ोटोज़ को फुल स्क्रीन करना है। तो मैं फर्स्ट फोटो को सिलेक्ट करता हूँ, उसके सेंटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और इसे यहाँ से इक्वल करता हूँ। इक्वल करने के बाद मैं दो फिंगर से स्वाइप करता हूँ। दो फिंगर से स्वाइप करने के बाद मैं इसे फुल स्क्रीन एडजस्ट कर देता हूँ। फिर से यहाँ पर गुड के निशान पर क्लिक करना है। फिर आपने ऐसे ही नेक्स्ट फोटो को सिलेक्ट करना है, सेंटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ से इक्वल करना है। इक्वल करने के बाद आपने इसे फुल स्क्रीन दो फिंगर से स्वाइप करके फुल स्क्रीन में एडजस्ट कर देना है। ठीक ऐसे ही आपने गुड के निशान पर क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट फोटो पर क्लिक करना है, सेंटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर आपने इसे इक्वल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसे यहाँ पर आपने फुल स्क्रीन पे एडजस्ट कर देना है और यहाँ पर आपने फिर इसे गुड के निशान पर क्लिक करना है। फिर ऐसे ही आपने नेक्स्ट फोटो को सिलेक्ट करना है, सेंटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपने इक्वल करना है और इसे फुल स्क्रीन में एडजस्ट कर देना है और फिर आपने गुड के निशान पर क्लिक करना है। तो आपने एक एक करके तमाम फोटोज़ को जो है इक्वल कर लेना है। तो तमाम फोटोज़ को इक्वल करने के बाद आपने टाइमलाइन को स्टार्ट में ले आना है। अब आप अपनी फोटोज़ का कोई भी कलर चेंज करना चाहें तो आपने फोटो को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर कलर फिल्टर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। कलर फिल्टर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद बेसिक्स, और यहाँ पर आप अपनी फोटो का अपनी मर्जी से कलर चेंज कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर मैंने ब्लैक एंड वाइट किया, उसके बाद आपने गुड के निशान पर क्लिक कर देना है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं इस फोटो का कलर चेंज करना चाहता हूँ, इस फोटो को सिलेक्ट करूँगा, कलर फिल्टर के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा बेसिक, और यहाँ पर मैं अपनी मर्जी से अपनी फोटो का कलर ऐड कर सकता हूँ। उसके बाद आपने गुड के निशान पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपने टाइमलाइन को स्टार्ट में लेना है। कलर चेंजिंग का मैंने आपको बता दिया। अब आपके पास यहाँ पर जो प्लस का हाईलाइट किया हुआ ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करके अब आपने एक एक इफेक्ट को ऐड करना है। यहाँ से जैसे कि मैं ये इफेक्ट ऐड कर देता हूँ और यहाँ पर ये इफेक्ट इस तरह से शो होगा। फिर आपने नेक्स्ट प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपने एक और इफेक्ट ऐड करना है, जैसा कि यहाँ पर मैं ये इफेक्ट ऐड कर देता हूँ। तो इस तरह से आपके पास यहाँ पर जितने भी प्लस होंगे आपने सभी पे इफेक्ट्स ऐड करने हैं। तो मैं यहाँ पर एक एक करके सभी को इफेक्ट ऐड लगा देता हूँ। और ये जो मैं इफेक्ट्स ऐड कर रहा हूँ, आप इन इफेक्ट्स को कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं उसका मैं आपको बता देता हूँ। प्लस के ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर गेट मोर का ऑप्शन नज़र आ रहा है। अब जब इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप डाउनलोड कर पाएंगे इन तमाम इफेक्ट्स को। जैसा कि यहाँ पर मैं ये इफेक्ट यूज़ कर लेता हूँ, इस पर क्लिक करके फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैं इस इफेक्ट को यहाँ पर ऐड करता हूँ तो ये इफेक्ट मेरा ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप गेट मोर के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये इफेक्ट्स आपको गेट मोर के ऑप्शन पे क्लिक करने से मिलेंगे प्लस वाले। तो अपने इफेक्ट्स ऐड करने के बाद, सभी इफेक्ट्स ऐड करने के बाद गुड के निशान पर क्लिक करना है और इसे यहाँ पर स्टार्ट में ले आना है। स्टार्ट में लाने के बाद अब आपके पास यहाँ पर लेयर का हाईलाइट के ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से मैं एक फ़ाइल को ऐड कर लेता हूँ जो कि व्हाट्सएप फुल स्क्रीन इफेक्ट है। तो यहाँ पर मैं एक इफेक्ट को यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। इफेक्ट ऐड करने के बाद अब आपके पास यहाँ पर जो प्लस जो सेंटर वाला ऑप्शन हाईलाइट किया हुआ नज़र आ रहा है, आपने यहाँ पर क्लिक करना है और इसे यहाँ से फुल स्क्रीन कर देना है। फुल स्क्रीन करते ही आपका जो व्हाट्सएप फुल स्क्रीन इफेक्ट है वो आपके पास अप्लाई हो जाएगा। आपने यहाँ पर गुड के निशान पर क्लिक करना है। अब आप इस इफेक्ट को कहाँ से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं उसका मैं आपको बता देता हूँ। आपने कहीं नहीं जाना, सिर्फ यूट्यूब पर ही सर्च करना है ये लिखकर इफेक्ट फुल स्क्रीन व्हाट्सएप स्टेटस, और इस इफेक्ट का लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स के पिन कमेंट में दे दूंगा जहाँ से आप इजीली इस इफेक्ट को डाउनलोड कर पाएंगे। तो मैं इस इफेक्ट को अब सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपने स्क्रोल डाउन करना है।
स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपके पास ब्लेंडिंग का हाईलाइट के ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने यहाँ पर प्रेस करना है और इसे यहाँ पर स्क्रीन एडजस्ट कर देना है। स्क्रीन एडजस्ट करते ही आपका व्हाट्सएप फुल स्क्रीन इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आपने गुड के निशान पर क्लिक करना है। अब मैं यहाँ पर फुल स्क्रीन को चेक कर लेता हूँ कि ये हमारे पास आ भी रहा है या नहीं आ रहा, तो यहाँ पर मैं इसकी एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। एडजस्टमेंट करने के बाद मैं कहता हूँ कि यार हमारा ये फुल स्क्रीन जो स्टेटस है वो 30 सेकंड का होना चाहिए, तो मैं 30 सेकंड पे लाके इसे जो है फ़ोटो को जो बाहर निकल रही है उसे सिलेक्ट करने के बाद सीजर के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, इसे ट्रिम टू राइट जो लेफ्ट है उसे यहाँ पर अप्लाई कर दूँगा कि कटिंग होकर ये मुकम्मल 30 सेकंड की हो जाएगी। तो उसके बाद आपने गुड के निशान पर क्लिक कर देना है। अब मैं इस टाइमलाइन को स्टार्ट में ले आता हूँ और अब मैं इस इफेक्ट को जो है प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। जब आप इस इफेक्ट को यूट्यूब से डाउनलोड करेंगे तो इस इफेक्ट के साथ सॉन्ग्स भी अटैच होते हैं, वैसे तो आप अपनी मर्जी के सॉन्ग भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस इफेक्ट का वॉल्यूम थोड़ा सा डाउन करके आपको प्ले करके दिखा देता हूँ और यहाँ पर मैं इसे प्ले कर देता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा व्हाट्सएप स्टेटस जो है वो बन के रेडी हो चुका है। तो इस तरह से आप जो है YouTube से पहले इस इफेक्ट को डाउनलोड करें और यहाँ पर हमारा WhatsApp स्टेटस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आपने इसे सेव कैसे करना है, यहाँ पर सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने अपनी सेविंग क्वालिटी को सिलेक्ट करना है और यहाँ से फ्रेम रेट को सिलेक्ट करके इसे एक्सपोर्ट कर देना है। तो इस तरह से आप अपने मोबाइल पर फुल स्क्रीन व्हाट्सएप स्टेटस बनाकर किसी भी सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं। और ये था आज का हमारा वीडियो कि फुल स्क्रीन व्हाट्सएप स्टेटस कैसे बनाएं।